मंडी में आयोजित हो रही चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में स्कूली छात्र साइंस आधारित मॉडल प्रदर्शित कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सरकाघाट की छात्रा स्नेह और अमन ने कार्बन जीरो सेविंग यूनिवर्स नाम का मॉडल तैयार किया है। छात्रों द्वारा अपने शिक्षक विजय कुमार के नेतृत्व में तैयार किए गए इस मॉडल में कार्बन के स्तर को शून्य करने की क्षमता है, जिससे कि वायु की गुणवत्ता बढ़ाई जा सके। मॉडल तैयार करने वाली छात्रा स्नेहा ने बताया कि केले के फाइबर और कोकोनट हस्क का प्रयोग कर उन्होंने जैविक फिल्टर बनाया है। स्नेहा ने बताया कि विश्व स्तर पर 70 मिलियन टन कोकोनट हस्क पैदा किया जाता है और इसमें से 80% वेस्ट के रूप में चलाया जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। उन्होंने अपने मॉडल में इसी कोकोनट हस्क का इस्तेमाल कर इस फिल्टर का निर्माण किया है। मॉडल तैयार करने वाले छात्रों और उनके शिक्षकों का कहना है कि उनके द्वारा बनाया गया ये मॉडल कार्बन ऑक्साइड को कम करने और हवा को शुद्ध करने वाला दुनिया का पहला ऑर्गेनिक फिल्टर है। बनाना फाइबर, कोकोनट हस्क और एक्टिवेटेड कार्बन लिए, जो एक्टिवेटेड कार्बन है वो हमने इन्हीं बनाना फाइबर्स और कोकोनट हस्क से बनाई हुई है। जो यूके की एक यूनिवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंग जो हम हर साल 70 बिलियंस जो है कोकोनट हस्क के पेड़ पर लगाते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ जो 85% जो है वो वेस्ट जाता है और जब हम और जो इंडस्ट्री है वो उसको जला देती है। जलाने से क्या होगा, CO2 का जो है लेवल इंक्रीज होगा और मीथेन का लेवल भी इंक्रीज होगा, लेकिन हम उसी चीज़ का यूज़ करके ये ऑर्गेनिक फिल्टर बना रहे हैं और हम CO2 के लेवल को डिक्रीज कर रहे हैं।